मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्बापिंड चौंक चलंदर में मां बंगलामुखी जी के नियमित श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान इंद्र से विधिवत व्यतिकृति अनुसार पंचोपचार पूजन, शोषोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई गई। तो वहीं माँ बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ के उपलक्ष्य में उपस्थित संगत को संत का चरित्र चित्रण करते हुए बताया कि संत को अगर करोड़ों दुष्ट लोग मिले उनके साथ दुर्व्यवहार करें तो भी वे अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन वे अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, ऐसे ही कोई संत को चाहे कितने ही दुष्ट लोग मिले वे अपना संतपन नहीं त्यागते। इस अवसर पर श्वेत भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, राकेश प्रभाकर, बाबा हलचल, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कारा बगलामुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी जी। अज मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौक के नज़दीक स्थित है, मां दे इस भव्य मंदिर दे विच अज महामाई की कृपा दे नाल जिहड़ा सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ निःशुल्क हुंदा है ओह होया। महामाई दे चरणां च सारे भगतां ने रल के आहुतियां डालियां हवन यज्ञ दे विच और अपनियां जिहड़ियां आसां मुरादां महामाई दे चरणां च रखियां। महामाई सारिया दिया आसा मुरादा पूरिया करे और अपना मेहर भरिया आशीर्वाद रखे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 14, 15, 16 तरीक नूं शनिवार, इतवार और सोमवार को श्री गणेश चतुर्थी जिहड़ा गणेश उत्सव है उसके उपलक्ष्य 3 दिन गणेश जी की जिहड़ी है पूजा वंदना आरती होएगी और 17 तरीक दिन मंगलवार को विसर्जन होएगा। सारे महानुभाव नूं करवद प्रार्थना है कि वह ਜਿਹੜਾ 14, 15, 16 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਂ।